नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 23 अक्टूबर दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार टीचर्स के लिए के पाठक का नया आदेश। शारदा सिन्हा, खान सर सहित कई दिग्गजों को केसरी सम्मान से नवाजा गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत के साथ टॉप पर पहुंचा भारत। किसानों को महज 4% ब्याज पर मिल रहा केसीसी लोन, ऐसे पाएं इसका लाभ। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की होने वाली परीक्षा हुई रद्द। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आरसीआरबी बैंक में कई पदों पर निकली वैकेंसी। राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड ने बैंकिंग असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर मैनेजर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, अकाउंट ऑफिसर, एनिमल न्यूट्रिशन ऑफिसर, प्रोग्रामर, असिस्टेंट मैनेजर जनरल, असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल, ऑपरेटर एनिमल न्यूट्रिशन, फीटर और इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट के कुल 684 पदों के लिए भर्ती निकाली है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://sso.gov.in/sign पर जाकर 17 नवंबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग रखी गई है। ऐसे में इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए जारी किए गए अधिसूचना को एक बार जरूर देख लें। नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री का पूजन। आज नवरात्रि के आखिरी दिन यानी नवमी को मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। यह मां दुर्गा का नौवां रूप है। कमल पर विराजमान चार भुजाओं वाली मां सिद्धिदात्री लाल साड़ी में विराजित है। इनके चारों हाथों में सुदर्शन चक्र, शंख, गदा और कमल रहता है। सिर पर ऊंचा सा मुकुट और चेहरे पर मंद मुस्कान ही मां सिद्धिदात्री की पहचान है। इस दिन भी कई भक्त अपने घरों में कुंजिकाओं को बिठाते हैं और उन्हें भोजन कराते हैं। भगवान शिव ने मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन सिद्धियों में अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, स्थित्व और वास्तव शामिल है। इन्हीं माता की वजह से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर नाम मिला, क्योंकि सिद्धिदात्री के कारण ही शिव जी का आधा शरीर देवी का बना। मान्यता है कि जिस प्रकार इस देवी की कृपा से भगवान शिव को 8 सिद्धियों की प्राप्ति हुई, ठीक उसी तरह इनकी उपासना करने से अष्ट सिद्धि और 9 निधि बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। बिहार टीचर्स के लिए के पाठक का नया आदेश। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सके, इसके लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा कई फरमान जारी किए गए हैं। इसी कड़ी में अब उन्होंने बिहार के शिक्षकों के लिए एक और आदेश जारी किया है, जिसके तहत राज्य के सरकारी प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कमजोर लर्निंग आउटकम यानी पढ़ाने में कमजोर शिक्षकों को चिन्हित किया जाएगा और उन्हें जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि विभागीय परीक्षा में उन्हें उत्तीर्ण होने का मौका मिल सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विभाग के द्वारा शिक्षकों को यह प्रशिक्षण नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अपनाए जाने वाले सभी नवाचारों व मानकों के आधार पर देने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही प्रत्येक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में विद्या समीक्षा केंद्र के नाम से एक मॉनिटरिंग सेंटर भी स्थापित की जाएगी। इस बारे में विभाग की ओर से राज्य के विद्यालय निरीक्षी पदाधिकारी को निर्देश दिया जा चुका है। बिहारी बोथरे स्पेशल में आज हम बात करेंगे यश सिन्हा के बारे में। यश सिन्हा का जन्म आज ही के दिन 1977 में हुआ था। यह एक भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेता है और उन्होंने ज्यादातर टीवी धारावाहिकों में सहायक भूमिकाएं निभाई हैं। 2017 में उन्होंने हिंदी फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने वरुण के बड़े भाई की भूमिका निभाई। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक थिएटर अभिनेता के रूप में की और थिएटर ग्रुप यात्रा के साथ काम किया। 2006 में उन्होंने हिंदी टीवी धारावाहिक काजल सबकी आंखों में बसी से एक अभिनेता के रूप में शुरुआत की, जिसमें उन्होंने रणबीर की भूमिका निभाई। वह 3 बहुरानियां, अफसर बीटिया, गोट रेड और क्यों रिश्तों में कट्टी बत्ती जैसे विभिन्न हिंदी टीवी धारावाहिकों में दिखाई दिए हैं। 2014 में यश ने अपनी पत्नी आम्रपाली गुप्ता के साथ सेलिब्रिटी टीवी डांस रियलिटी शो नच बलिए सीजन 6 में हिस्सा लिया था। उन्होंने 2020 में हिंदी वेब सीरीज बिन बुलाए मेहमान सीजन 2 में भी काम किया है। जून 2020 में वह पुरस्कार विजेता हिंदी लघु फिल्म बुम बुम में दिखाई दिए। बिहार में 9 महीने के अंदर 2.31 लाख बदमाश गिरफ्तार। बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस साल बीते 9 महीने यानी कि जनवरी से लेकर सितंबर के दौरान 2.31 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें ऑपरेशन ब्रज के तहत 76,874 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं स्पेशल टास्क फोर्स के द्वारा 426 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा एसटीएफ द्वारा 19 नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। बिहार पुलिस के एडीजी जेएस गंगवार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया
गया है कि 2022 में प्रति माह औसत गिरफ्तारी 7,387 थी, जबकि 2023 के सितंबर माह तक प्रति माह औसत गिरफ्तारी 8,541 है। सिर्फ सितंबर 2023 में ब्रज टीमों के द्वारा 7,412 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मालूम हो कि बिहार में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बिहार पुलिस के द्वारा तरह तरह की कार्रवाई की जा रही है। राज्य के हर पंचायत में बना उच्च माध्यमिक विद्यालय। बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा आईपीआरडी पर एक पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि हर पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय का निर्माण किया गया है, जिसके तहत बिहार के कुल 8,053 पंचायत में 9,360 उच्च माध्यमिक यानी कि 12वीं के विद्यालय स्थापित किए गए हैं। मालूम हो कि इन विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा के लिए ई लॉर्ड्स यानी कि ई लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स की व्यवस्था की गई है। इस ऐप पर सभी कक्षा के पाठ्य पुस्तक, वीडियो, सवाल और जवाब एवं शिक्षकों के लिए उपयोगी सामग्री अपलोड किए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस ऐप की मदद से न केवल शिक्षक बल्कि बच्चों को भी काफी सहायता मिल रही है। शारदा सिन्हा खान सर सहित कई दिग्गजों को केसरी सम्मान से नवाजा गया। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की जयंती के अवसर पर बिहार इंटेलेक्चुअल फॉर्म के बैनर तले आयोजित किए गए केसरी सम्मान समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर के द्वारा संगीत के क्षेत्र में बिहार में खास पहचान रखने वाली लोक गायिका पद्म भूषण शारदा सिन्हा और युवाओं और छात्रों के सबसे ज्यादा लोकप्रिय शिक्षक खान सर सहित चिकित्सा शिक्षा समाज सेवा एवं कारोबार जगत में बिहार का नाम रोशन करने वाले विभूतियों को केसरी सम्मान से सम्मानित किया गया। इस मौके पर शारदा सिन्हा ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि मुझे बहुत गर्व हुआ कि मुझे सम्मान के लिए बुलाया गया। कृष्णा बाबू का सपना था कि सभी को एकजुट करके बिहार को आगे बढ़ाया जाए और हम लोग भी यही चाहते हैं कि बिहार आगे बढ़े। वहीं खान सर ने कहा कि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर का बहुत बहुत धन्यवाद और कार्यक्रम के आयोजक को भी धन्यवाद जिन्होंने मुझे बुलाया और मुझे केसरी सम्मान से सम्मानित किया। अब मेरा भी लक्ष्य रहेगा कि हम बिहार को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की होने वाली परीक्षा हुई रद्द। 28 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित किए जाने वाली स्नातकोत्तर पार्ट 2 की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि ये परीक्षाएं बाद में आयोजित की जाएंगी, जिसमें एमए हिंदी, समाजशास्त्र, रूरल उर्दू, एमकॉम, एमएससी मैथ्स की परीक्षा शामिल है। मालूम हो कि इस परीक्षा का आयोजन पटना के नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी बिस्कुमान भवन कैंपस में किया जाना था, लेकिन बाद में यूनिवर्सिटी के द्वारा नोटिस जारी कर यह कहा गया कि अब यह परीक्षा नालंदा स्थित यूनिवर्सिटी के नए कैंपस में आयोजित की जाएगी। इसके बाद काफी छात्रों के द्वारा उसका विरोध किया गया। वहीं अब एक बार और आदेश जारी कर इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। ऐसे में संशोधित तिथि और समय की सूचना बाद में दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 9 अक्टूबर से ही नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के सभी कार्य बड़गांव स्थित नए भवन में किए जा रहे हैं। बिहार के लाल शंकर को केबीसी से आया बुलावा। बिहार के लाल और छपरा में रोटी बैंक के जरिए गरीबों और असहाय का पेट भरने वाले रविशंकर उपाध्याय को भारतीय टेलीविजन के सबसे लोकप्रिय केबीसी से यानी कि कौन बनेगा करोड़पति के कार्यक्रम से बुलावा आया है। ऐसे में अब वो महानायक अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर बैठे नजर आने वाले हैं। बता दें कि केबीसी के इस एपिसोड की शूटिंग हो चुकी है, जिसमें वो हॉट सीट पर बैठे नजर आएंगे। ऐसे में उन्होंने इस पर कहा है कि उनके लिए ये पल गौरवान्वित कर देने वाला था। बता दें कि इस एपिसोड को नवंबर के शुरुआती दिनों में दीपावली स्पेशल शो के प्रसारित किया जाएगा। इस वजह से 266 बालू घाटों के बंदोबस्ती के बाद भी महज 62 घाटों पर ही खनन। बिहार सरकार के तरफ से 15 अक्टूबर से बालू खनन की घोषणा बारिश खत्म होते ही कर दी गई थी। मिली जानकारी के अनुसार 5 साल के लिए 266 बालू घाटों के बंदोबस्ती की व्यवस्था हुई थी। बावजूद इसके सूबे में महज 62 घाटों पर ही पटना के साथ साथ 9 जिलों में खनन शुरू हो पाया है, क्योंकि पर्यावरण की मंजूरी 62 घाटों पर ही मिल सकी है। ऐसे में बचे घाटों के लिए जिसमें 525 घाट बचे हैं, वहां पर्यावरण की मंजूरी की तैयारी चल रही है। बता दें कि इन 62 घाटों में भोजपुर जिले के सबसे अधिक घाट हैं। मिली जानकारी के अनुसार बालू खनन का काम पर्यावरण की मंजूरी मिलते ही शुरू कर दिए जाएंगे। पुलिस लेके वाहनों से शराब की तस्करी। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, इसे तो हम सभी वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। हालांकि इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की ओर से जीतोड़ कोशिश की जा रही, लेकिन इसके बावजूद भी इन मामलों में कुछ खास कमी देखने को नहीं मिल रही। उल्टा शराब तस्कर आए दिन तस्करी के लिए नए नए तरीकों का निजात करते हुए पाए जा रहे हैं। बता दें कि ताजा मामला बिहार के बक्सर का है, जहां डुमराव एसडीपीओ अफाक अख्तर अंसारी के द्वारा पुलिस के स्टिकर लगाकर हूटर बजाते हुए तेज रफ्तार से निकल रही दो लग्जरी वाहनों से लाखों की शराब के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि लग्जरी कार की कीमत
बता दें कि लग्जरी गाड़ी की कीमत 50 से 60 लाख रुपए है। वहीं एसडीपीओ के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि जिन तस्करों को गिरफ्तार किया गया है वह यूपी के गाजीपुर के रहने वाले हैं, जबकि तीसरा तस्कर रोहतास का रहने वाला है। हालांकि इसका संबंध पुलिस से नहीं है और यह पुलिस को गुमराह करने और धौंस दिखाने के लिए हूटर लगाकर और पुलिस स्टिकर का प्रयोग कर इतनी महंगी गाड़ी में शराब लेकर जा रहे थे। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे छोटी पटन देवी के बारे में। यह मंदिर पटना शहर के चौक इलाके में स्थित है और एक समय में इसे पटना का मुख्य देवता माना जाता था। पिछले कुछ वर्षों में यह शहर के प्रमुख देवता के रूप में बड़ी पटन देवी मंदिर के बाद प्रतिष्ठित स्थान में दूसरे स्थान पर आ गया है, जिसे अधिक लोकप्रिय बड़ी पटन देवी के लिए छोटी उपाधि दी गई है। चैत्र नवरात्र के दौरान छोटी पटन देवी में भक्तों का तांता लगा रहता है। दुर्गा पूजा के दौरान नगर रक्षिका माँ दुर्गा भ्रमण करती है। मंदिर परिसर में ही हवन कुंड बना है। देवी को प्रतिदिन अलग अलग सामग्री का भोग लगता है। संगमरमर के पत्थरों से मंदिर परिसर की भव्यता भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। छोटी पटन देवी स्थल पर शती की पीठ गिरी थी। चैती व शारदीय नवरात्र के दौरान सूबे और राजधानी के कोने कोने से श्रद्धालु मां भगवती की पूजा अर्चना करने परिजनों के साथ यहां पहुंचते हैं। नेपाल के सीमावर्ती भारतीय बाजार की रौनक गायब। कोरोना संक्रमण के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि त्योहारी मौसम में नेपाल के सीमावर्ती भारतीय बाजार में रौनक नहीं है। मालूम हो कि मधुबनी का जयनगर और पूर्वी चंपारण का रक्सौल नेपाल के लिए बड़े व्यवसायिक केंद्र है, लेकिन इस बार दोनों ही जगहों पर परिस्थितियां प्रतिकूल है। हाल के दिनों में सीमा पर बढ़ी सख्ती, पहचान पत्र दिखाने की अनिवार्यता, त्रिस्तरीय जाँच और नेपाल की आंतरिक आर्थिक से यहां का औसतन 50% बाजार प्रभावित हुआ है। इस बार पिछली बार की तुलना में 70% तक की गिरावट की आशंका है। उद्योग वाणिज्य संघ के सदस्य मनोज कुमार दास व ओम प्रकाश महतो का कहना है कि नेपाल में बैंकों की सख्ती के कारण उद्योग धंधों पर व्यापक असर पड़ा है। ब्याज दर बढ़ गई है, बैंक ऋण वसूली में जुटे हैं। स्टार स्कीम अवार्ड के लिए बिहार के इस कॉलेज का हुआ चयन, छात्रों को मिलेंगी कई सुविधाएं। स्टार स्कीम अवार्ड के लिए वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से संबंध कैमूर के सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज को इस वर्ष चयनित किया गया है। बता दें कि यह चयन भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया है। इस अवार्ड को लेकर प्राचार्य डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा द्वारा बताया गया है कि अब तक बिहार में 2 कॉलेज को ही इस स्कीम के तहत चयन हो सका था। इस बार बिहार से एकमात्र इसी कॉलेज का चयन हुआ है। वहीं स्टार कॉलेज स्कीम के संयोजक डॉक्टर आनंद प्रकाश ने बताया कि विज्ञान वर्ग के 4 विभागों भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी एवं वनस्पति विभाग को मिलाकर लगभग 1 करोड़ का अनुदान प्राप्त होगा। इस अनुदान से विज्ञान विषय के प्रयोगशाला को अत्याधुनिक स्तर की सुविधा प्रदान की जाएगी। छात्र छात्राओं और शिक्षकों को प्रायोगिक परीक्षण क्षमता को विकसित करने में मदद मिलेगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत के साथ टॉप पर पहुंचा भारत। बीते दिन धर्मशाला में खेले गए मुकाबले में रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम के द्वारा न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराते हुए आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में अपने जीत के सिलसिले को जारी रखा गया है। मालूम हो कि इस जीत के साथ भारत अब विश्व कप 2023 के पॉइंट्स टेबल पर सबसे पहले स्थान पर पहुंच चुका है। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद न्यूजीलैंड की टीम के द्वारा 273 रन बनाए गए, जिसका पीछा करते हुए भारतीय टीम के द्वारा टीम इंडिया ने पूर्व कप्तान विराट कोहली के शानदार 95 रनों की मदद से और मोहम्मद शमी के 5 विकेट के दम पर 4 विकेट से जीत अपने नाम कर दी गई। वहीं भारत अब अपना अगला मुकाबला 29 अक्टूबर को लखनऊ में इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। बेस्ट एक्टर का अवार्ड पाकर मनोज बाजपेयी ने शेयर की ये बात। बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी को उनकी दमदार एक्टिंग की वजह से ओटीटी पर रिलीज हुई इनकी 2 फिल्म गुलमोहर और सिर्फ एक बंदा काफी है के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। इस बात की जानकारी मनोज बाजपेयी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी है। उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड हंगामा ओटीटी इंडिया फेस्ट 2023 में 2 अविश्वसनीय फिल्मों गुलमोहर और सिर्फ एक बंदा काफी है के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त किया। मेरे सह कलाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रतिभा हर दृश्य का सारथी, हमारे काम को स्वीकार करने और सभी प्रयासों को सार्थक बनाने के लिए दर्शकों का हमेशा आभारी हूँ। इसके साथ ही इन्होंने गुलमोहर के निर्देशक राहुल चित्तैला और सिर्फ एक बंदा काफी है के निर्देशक अपूर्व सिंह कार्की को धन्यवाद दिया। 23-24 अक्टूबर को बंद रहेगा जू और नेचर सफारी।
अगर आप दुर्गा पूजा में राजगीर जाने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि 23 और 24 अक्टूबर को राजगीर स्थित वन्य प्राणी सफारी और नेचर सफारी बंद रहने वाला है। दरअसल 23 अक्टूबर यानी कि आज नेचर सफारी और जू सफारी की साप्ताहिक बंदी रहती है। वहीं 24 अक्टूबर को विजयदशमी के मौके पर प्रशासनिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से जू सफारी और नेचर सफारी को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि इस बात की जानकारी जू सफारी के निदेशक हेमंत पाटिल और नेचर सफारी के रेंज ऑफिसर ऋषिकेश कुमार के द्वारा दी गई है। उन्होंने बताया कि अन्य पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के आदेश पर यह निर्णय लिया गया है। वहीं 25 अक्टूबर से जू सफारी और नेचर सफारी दोनों पूर्ववत समय के अनुसार खुलेंगे। राज्य के मौसम में हो सकता है बदलाव। राज्य में मौसम के मिजाज में धीरे धीरे बदलाव की शुरुआत हो गई है। सुबह में धुंध की स्थिति राज्य के कई जिलों में बन रही है। हालांकि दोपहर में तीखी धूप भी रह रही। मौसम विभाग के द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार एक हफ्ते में राज्य भर के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जाएगी। बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में बने अवदाब की वजह से प्रदेश के कुछ हिस्सों में 24 व 25 अक्टूबर को आंशिक बारिश हो सकती है। वहीं विभाग के द्वारा दिए गए जानकारी के अनुसार आज यानी कि 23 अक्टूबर को मौसम साफ रहेगा। वहीं कल यानी कि 24 अक्टूबर को बिहार की राजधानी पटना के आसमान में दोपहर बाद आंशिक बादलों का बसेरा रहेगा। हालांकि विभाग की ओर से यह भी कहा गया है कि आज मौसम शुष्क बना रहेगा। गांधी मैदान में विजयादशमी पर 70 फीट का जलेगा रावण। विजयादशमी के दिन बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में 70 फीट का रावण, 65 फीट का कुंभकर्ण और 60 फीट का मेघनाथ का दहन किया जाएगा। ऐसे में इसको देखते हुए बीते दिन यानी कि रविवार से ही गांधी मैदान में आमजनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। इस बारे में पटना जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर और SSP राजीव मिश्रा के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि गांधी मैदान के अलावे लगभग 20 जगह पर विजयादशमी के दिन रावण दहन का भव्य आयोजन किया जाता है। बता दें कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रावण दहन में राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। वहीं मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इस भव्य रावण दहन आयोजन में स्वास्थ्य विभाग की ओर से 8 एम्बुलेंस, अस्थायी मेडिकल कैंप, अग्निशमन की गाड़ी, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से गांधी मैदान के अंदर और बाहर सहित एग्जिट और एंट्री गेट्स पर मजिस्ट्रेट सहित पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जो भीड़ भाड़ पर कंट्रोल सहित अफवाह फैलाने की स्थिति से निपटने की पूरी जानकारी देंगे। किसानों को महज 4% ब्याज पर मिल रहा KCC लोन, ऐसे पाएं इसका लाभ। SBI की ओर से किसानों को रबी की फसल की खेती करने के लिए मात्र 4% ब्याज पर KCC ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए SBI की ओर से किसानों को जागरूक करने की भी शुरुआत कर दी गई है। इस बारे में SBI के शाखा प्रबंधक अनिल कुमार झा के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि किसानों को महाजनी ऋण से मुक्त करने को लेकर SBI ने किसान के घर द्वार अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत मात्र 4% ब्याज पर KCC ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं इस लोन को चुकाने के बाद किसान दोबारा ऋण ले सकते हैं। मनोज झा ने बताया कि फसल कटाई के बाद अपने उत्पादों को सरकारी दर पर विभिन्न पैक्सों के माध्यम से बेचे और उसके बाद 6 माह से 1 वर्ष में बैंक ऋण वापस कर सकते हैं। लालू यादव के साथ मंच साझा करेंगे कांग्रेस के ये बड़े नेता। बीते दिन रविवार को बिहार कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन में जानकारी देते हुए बताया गया कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह का जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन पूर्व रेल मंत्री एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद के द्वारा किया जाएगा। इस आयोजन में लालू यादव के साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता मंच साझा करने वाले हैं। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी, मीरा कुमार, तारिक अनवर जैसे नेता उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। लोकसभा चुनाव में भी अपना उम्मीदवार उतारेगा जनसुराज। चुनावी राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर के द्वारा बीते दिन सीतामढ़ी में अपने जनसुराज पदयात्रा के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि जनसुराज दल नहीं है तो चुनाव लड़ नहीं सकता, लेकिन जनसुराज परिवार से जुड़ा कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो प्रशांत किशोर और जनसुराज की जो शक्ति है उससे मदद की जाएगी। हमारा काम है कि पूरे बिहार में घूमकर समस्या को समझना, ऐसे लोगों को ढूंढकर निकालना है जो समझते हैं कि बिहार में एक विकल्प बनना चाहिए। जिस जिले में पदयात्रा हो गई वहां के सदस्यों को निर्णय करना है कि चुनाव लड़ना है या नहीं। जैसे उपचुनाव में जनसुराज के साथियों ने सहयोग किया और उन्हें जिताया। बता दें कि इस दौरान प्रशांत किशोर के द्वारा इशारों में यह जरूर कहा गया है कि उपचुनाव की तरह लोकसभा में भी उनके समर्थक प्रत्याशी चुनाव लड़ सकते हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज।
मीर कासिम बक्सर की लड़ाई में 1764 को पराजित हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आजाद हिंद फौज की झांसी की रानी ब्रिगेड की सिंगापुर में स्थापना की। भारत और बुल्गारिया ने प्रत्यर्पण संधि पर 2003 में हस्ताक्षर किए। नया कंपनी विधेयक 2008 को लोकसभा में पेश हुआ। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने 2007 में CBI के पूर्व डायरेक्टर R.K. राघवन को अपने नए सलाहकारी बोर्ड में नियुक्त किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समान स्वतंत्रता सेनानी और कर्नाटक की वीरांगना रानी चेन्नम्मा का जन्म 1778 में हुआ। श्रमिक नेता खंडू भाई देसाई का जन्म 1898 में हुआ। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री व भारत के उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत का जन्म 1923 में हुआ। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता देवेन वर्मा का जन्म 1937 में हुआ। एक भारतीय उद्योगपति, समाजसेवी और भारत के सबसे बड़े टेलीकॉम कंपनी एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल का जन्म 1957 में हुआ। प्रसिद्ध कवि तुलसीदास का निधन 1623 में हुआ। परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक सूबेदार जोगिंदर सिंह का निधन 1962 में हुआ। प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी नेली सेन गुप्ता का निधन 1973 में हुआ। काशी के प्रसिद्ध साहित्यकार भोला शंकर व्यास का निधन 2005 में हुआ। लोकप्रिय संगीतकार, गायक और संस्कृत कर्मी भूपेन हजारिका की लंबी बीमारी के बाद 2011 में निधन हो गया। व्हाट्सएप पर अब वॉइस मैसेज भी हो सकते हैं अपने आप गायब। व्हाट्सएप हमेशा से ही अपने यूजर्स के लिए यूनिक फीचर्स पेश करता रहता है। अब कंपनी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए वॉइस मैसेज को डिसअपीयरिंग होने का फीचर पेश किया है, जिसमें आप अगर किसी को वॉइस मैसेज करते हैं तो ये खुद ब खुद अपने आप गायब हो जाएगा। व्हाट्सएप का ये फीचर व्यू वन फीचर और सेल्फ डिस्ट्रिक्टिंग मैसेज फीचर की तरह ही है। इस फीचर को एक्टिव करने के बाद अगर आप किसी परिचित को वॉइस मैसेज करते हैं तो वो इस मैसेज को एक बार ही सुन सकेगा और उसके बाद आपका वॉइस मैसेज खुद ब खुद डिसअपीयर हो जाएगा। आपको बता दें कि व्हाट्सएप का वॉइस डिसअपीयरिंग मैसेज फिलहाल डेवलपिंग स्टेज में है और इसके चुनिंदा बीटा यूजर्स के लिए ही रोल आउट किया गया है। यह फीचर अभी भी विकास के अधीन है, लेकिन आप इसे व्हाट्सएप बीटा डाउनलोड करके आजमा सकते हैं। व्हाट्सएप इस सुविधा को जल्द ही सभी यूजर्स के लिए जारी करने की योजना बना रहा है। बालाघर में आज हम बात करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचना वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में। दरअसल PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कथित तौर पर इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से जारी एक पत्र में प्राप्तकर्ता पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं और जवाब मांगा जा रहा। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह पत्र फर्जी है। भारत सरकार के अधीन किसी भी संगठन द्वारा ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया गया है। कभी भी ऐसे ईमेल हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपया करके यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अगला सवाल, हाल ही में कहां भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी कौसाम्बी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कौसाम्बी। अगला सवाल, बिहार में पहला रेल मार्ग किन दो स्थानों के बीच था? ऑप्शन ए दिल्ली से मुगलसराय, ऑप्शन बी दिल्ली से पटना, ऑप्शन सी मुगलसराय से कोलकाता, ऑप्शन डी पटना से रांची। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मुगलसराय से कोलकाता। अगला सवाल, बिहार स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए नारायण प्रसाद, ऑप्शन बी कृष्ण वल्लभ सहाय, ऑप्शन सी अब्दुल बारी, ऑप्शन डी CR दास। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नारायण प्रसाद। अगला सवाल, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन बी आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन सी कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आचार्य नरेंद्र देव। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोहम्मद फहीम, विवेक मिश्रा, राम नरेश कुमार, प्रहलाद कुमार, विकास दास, जैसिका गुप्ता, खुशी शर्मा, विवेक पंडित, राजीव कुमार, अतीक खान, अनवर करीम खान, गुनर शर्मा, मुन्ना सोनी, मंटू कुमार, अविनाश कुमार, चंद्रभूषण सहाय। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है,
दुर्गा पूजा में आपको अपने क्षेत्र में कहाँ का पंडाल और मूर्ति सबसे अच्छा लगा? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।